कि अंकल आप इधर आ जाओ, मुझे ना इनके घर ठीक नहीं लग रहा। कि अंकल आप इतने लोगों की हेल्प करते हो, प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो। क्या चाहिए आपको? मुझे बाप बदलना है। कोई बाप कैसे बदल सकता है? क्यों, इधर बड़े बड़े नेता बदल जाते हैं तो बाप किस खेत की मूली है? अरे बच्चा यादव में क्या बुराई है? अंकल बुराई, ये बंदा मेरा मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा। सच में यार, अंकल आप हॉलिडे पे मालदीव्स लंदन जाते हो, ये हर बार दरभंगा ले जाते हैं। अच्छा नहीं लगता अंकल, मुझे आप मेरा, मुझे आप अपना बेटा बना लो अंकल। भाई ले जाया करो इसको घुमाने। अभी अभी लेकर जाएंगे, चल मालदीव चलते, आजा आजा आजा, लेके चलता हूँ, आजा आजा आजा, चल तेरी धुलाई करता हूँ। अच्छा जी, मैं भी आपका बेटा हूँ, अगर 911 पे फोन कर दिया ना तो आपका जो बॉडी है ना भरता बना देंगे, समझे? अरे कैसा बच्चा है ये, अरे कैसा बाप है ये। चलो अब चलो। हाँ तो जा तो रहे। चलो ना, आओ ना फिर। आए बड़े, हटो पीछे। माफ कीजिएगा, माए लो पहुंचे तो नहीं आ पाएंगे, कोशिश करके देखे। चलो 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 चलो। बाजी एक डिबेट कर रहे हैं हम खास मुद्दों के ऊपर, तुम चाहते कि आप भी उस डिबेट में शामिल हो, प्लीज जल्दी जल्दी डिबेट वाले लोग यहाँ पे आ जाएं। नमस्कार 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 नमस्कार, पूज रहे हर्ष उल्लास के साथ आप सभी का बात की खाल में स्वागत है। नमस्कार, हम है रोमांटिक पुत्र बच्चा यादव, जी हाँ, बात की खाल के इकलौते संचालक। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि इस तरफ हमारे साथ हैं यूनिवर्स के सबसे ज्यादा फिट, सबसे ज्यादा हिट, सबसे ज्यादा डैशिंग और बॉक्स ऑफिस पे कैशिंग, वन एंड ओनली अक्षय कुमार। और उनके साथ हैं गॉर्जियस ब्यूटीफुल ओवरडोज ऑफ हॉटनेस ओनर ऑफ फॉरेनर जीजा, द वन एंड ओनली ब्यूटीफुल परिणीति चोपड़ा। और इस तरफ एक और यहां पर मौजूद हैं जो घास तक नहीं डालते, जिसे प्रेम चोपड़ा, द वन एंड ओनली सपना। ए मुगलों के सेकंड हैंड हाथी, ज्यादा बकवास मत करना इधर। ये हाँ भूरी हमारी साली, यानी आधी घरवाली। आधी, एक मिनट, आधी किधर है? पाव किलो है, पाव किलो। जब मैं रिसेप्शन पे खाना खाने जाती ना, तेरे से ज्यादा तो मैं सौंफ खा लेती है उधर, इतनी सी है। सौंफ अली खान, जरा तमीज में रहिए, साली है हमारी। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। हेलो अक्षय, क्या हाल है? बाजी बढ़िया। परिणीति जी क्या हाल है आपके? बढ़िया जी। ओ यार मुझे भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कराओ यार। हाँ मैं बताती है, ये पता है कौन है? कोलंबस जब भारत की खोज में आया था ना, तो वो चला गया, इनको इधर छोड़ गया वो। हरप्पा से लेकर कटप्पा तक सब देखेला इन्होंने। हाँ जब तुम्हारी माँ धर्मशाला के मैनेजर के साथ भागी थी, वो भी मैंने देखी है। बिन माँ के बच्चा पला होना तो ऐसी बातें करता है। कीमती लाल जी, थोड़ा सा सेटअप हो जाइए। बात की खाल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हुए सबसे पहला मुद्दा जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अच्छा मैं, हेलो, हाँ सोनी साहब, सोनी टीवी, हेलो, अच्छा मुझे दूसरे चैनल से ऑफर आ रहे हैं। हाँ मुझे एक मोटरसाइकिल ले दो, नहीं तो मैं बिक गया हूँ। मैं हूँ बिकाऊ। हाँ अच्छा, आपको भी सेम टू यू। वाह वाह वाह, चोपड़ा साहब की बेटी आई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। प्रेम जी कैसे हैं? प्रेम चोपड़ा की बेटी नहीं है अरोड़ा साहब। जहाँ प्रेम होता है वही ऐसे बच्चे होते हैं। और जिनके माँ बाप लड़ाई झगड़ा करके सोते हैं, वहां फिर ऊद बिलाव जैसे बच्चे होते हैं।
ये चलते शो में हर बार आप कैसे घुसाते हैं यार? हाँ तो चलते शो में ही तो आदमी को आना चाहिए, जो शो नहीं चलता उसमें कह को जाने का क्यों अर्चना जी? सपना माना कि तेरे पास शक्ल तो है नहीं, जमीर भी नहीं है। जमीर से क्या होता है सर, आप मुझे बताइए। कुछ नहीं, सब्जी बन सकती है जमीर की? मटर जमीर सुने लगे कभी? नहीं ना, मटर पनीर रहता, पनीर के लिए पैसा ही चाहिए, जमीर गया तेल लगाने, मैं तो जाती है समीर अमीर को। सपनुली बुलबुली कह रहे हो, गालियां तो मुक गई हैं तो मुझसे ले लो थोड़ी सी। हाय 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 मेरा यार कीमती लाल, हाय। और सुना तेरी बवासीर कैसी है? 5 साल की होगी, अब तो स्कूल भी जाना शुरू कर दिया यार। मैं आज कितने दिनों बाद देख रहा हूँ, हालांकि तेरा मुंह वैसा का वैसा ही है, तू आजकल रहता कहाँ है? मैं इधर पीछे रहता हूँ आजकल। तो पीछे रहने में तकलीफ नहीं होती, आगे रहा करो। क्या बात है, पहले एक ही भंकस करने वाले अंकल के अब दो दो हो गए, वाह गए हम लोग। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ लाइक अक्षय कुमार। अच्छा, 2 मिनट में मैं लौंडों को पीट देता हूँ। और 2 मिनट बाद वही लौंडे इन्हें पीट देते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो, जो बाद में मुझे लौंडे घर छोड़कर जाते हैं वो तो तुमने बताया नहीं, क्यों अर्चू? अर्चू विरचू क्या होता है? अर्चू तो ऐसे बोल रहे जैसे तेरी दोस्त है वो। ओ, हम स्कूल मेट्स हैं। अच्छा, काहे का स्कूल मेट, कहाँ वो कहाँ तू, हट। ओ, अब हमसे रोज रोज बाल नहीं डाई होते, हम क्या करें। मेरे से 3 क्लासें पीछे थी ये। अच्छा। मैंने बड़ी वेट की इनकी, मैं अपनी क्लास में फेल होता गया लेकिन ये मुझे मिली नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपनी क्लास में फेल होती रही है। संचालक होने के नाते हम आप दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि वाहियात बातें बंद करते हैं, हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है सर फिटनेस। तो हमें बताइए सर, क्या अकी जी आप तो फिटनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो जो फिटनेस है ये चीज कितनी ज्यादा जरूरी है ये हम जानना चाहते हैं। अच्छा, फैट बंदा फिटनेस की बात कर रहा है। अक्षय साहब मैं आपको एक बताऊं, ये इतना भयंकर फाटता है आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार इसने लेटे लेटे फाड़ दिया, ये ऐसे उड़ के पंखे को लगा, उसके सारे पंखे तोड़ दिए, पंखा पोपला हो गया, इतनी तीव्रता इसके फाट में। अच्छा, चीप चीप कह रही है, जब तेरा जीजा फाड़ता है तब कहती है जीजू वंस मोर वंस मोर। अरोड़ा साहब आप जरा अपनी बात कीजिए, हमारी फाट छोड़िए। आपके फाट मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, आप छोड़ सकते हैं? इतनी बड़ी तोप भगवान ने हर किसी को थोड़ी दी है। सही बोले अंकल, मैं आपकी बात से सहमत है पागल अंकल। लेकिन मैं तेरे मुंह से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तू अपने नाक पे नींबू रख के गन्ने वाली मशीन में अपना मुंह दे दे, इतना गंदा मुंह है तेरा, आय हाय हाय, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अथू फिटनेस कितना जरूरी है बताइए ना। फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि फिटनेस से आपकी तंदुरुस्ती रहती है, आपकी उम्र रहती है, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे सर, आप कहते हैं कि आपके हिसाब से ज्यादा फैट, घी, तेल, मीठा, चुपड़ा हुआ, ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही बोलते हैं, खाने कहते हैं चुपड़ी रोटी नहीं खानी चाहिए, खुद चुपड़ी लड़की के साथ फिल्म कर रहे हैं, परिणीति चुपड़ी है। आपकी क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मार्केट में चंद खूबसूरत लड़कियां बची, उनमें से एक प्रियंका चोपड़ा को बाहर ले गए, निक जोनस। मेरा वीजा लगने दो, मैं वापस लेके आऊंगा। हमारे लिए क्या बचता है, ये तो आज आई है परिणीति, नहीं तो ये देखो, ये जनरेटर जैसी लड़कियां देखने को मिलती है। हम अगला मुद्दा आप छेड़ रहे हैं, हमारा अगला मुद्दा है जल्दी सोना, क्या बहुत ज्यादा जरूरी है या देर से भी सो सकते हैं? मैं तो खुद काफी दिनों से नहीं सोया हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? मुझे कोई बताता ही नहीं कि रात हो गई है। परिणीति जी, मैंने आपकी मम्मी को मिलना है। क्यों? क्योंकि जिसकी बेटी इतनी खूबसूरत है उसकी मम्मी कितनी संस्कारी होगी, पूरी बात तो सुन लो।
देखिए चलिए दिल की बात कर देते हैं परी जी, हम भी आपसे कहना चाहेंगे ना, आप अपना फोन नंबर हमको दीजिएगा। अच्छा। नहीं मतलब ऐसी कोई बात नहीं, कभी एक बार मिस्ड कॉल दे दीजिएगा, खाली बीवी को थोड़ा सा जलाना है और जताना भी है कि हम अकेले नहीं है दुनिया में। एक बार ऐसा अगर हो जाए। मैं आपको अक्षय सर का नंबर दे दी, तो उनको मिस्ड कॉल दो आप, फिर देखते क्या होता आपका। तो लीजिए इसी बात को इग्नोर करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए पार्टिसिपेट के बाद की खाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देवी और सज्जनों यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना ये शो, ये बहुत ही बकवास बातें किए जा रहे हैं, मजबूरन हमें ये शो यहीं पे खत्म करना होगा। बहुत अच्छी बात है। तो एक बार अक्षय बाजी और परिणीति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना कीमती समय निकाल के आए और हमारे जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अक्षय बाजी आपका भी बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने केसरी जो मूवी है वो भारत के वीर जो है उसको डेडिकेट किए, बहुत बहुत धन्यवाद पाजी आपका। और पाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो फिल्म केसरी है ये हमारे सारे जवानों के लिए, उन शहीदों के लिए पूरा डेडिकेट किया हुआ है जिन्होंने अपनी जान दी ताकि हम जी सकें। और इसके अंदर एक गाना भी है, मैं वो गाना आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। ये गाने के जो वर्ड्स हैं ये आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ये जब किसी जवान को गोली लगती है तो उसके दिमाग में क्या दृश्य आता है, वो क्या सोचता है, ये गाना है उस बारे में। तो मैं चाहूँगा ध्यान से आप लोग सुनिएगा।